बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेन ठाकुर ने नामांकन आज भर दिया वसई विधानसभा क्षेत्र से। इस पूरे नामांकन यात्रा के दौरान जनता में जन उमंग जिस प्रकार से देखने को मिला, जनता का जन समर्थन देखने को मिला, वह अत्यंत अलग था। यह पूरी जनता जितेंद्र ठाकुर के नामांकन के लिए उपस्थित हुई। हर तरफ जनता और जनता का जनसैलाब नजर आया। हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, युवाओं का यह पूरा हुजूम नामांकन के लिए जा रहा है और यह नामांकन बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के लिए है। जिस प्रकार का यह जन समर्थन और जन प्रेम नजर आया हितेंद्र ठाकुर के प्रति, वो एक बात तो साफ कर गया कि आने वाला विधानसभा चुनाव का जो मतदान दिवस होगा उसमें अब टक्कर बहुत जोर से है। हर बार की तरह इस बार भी हितेंद्र ठाकुर ने पदयात्रा निकालते हुए नामांकन भी किया और अपना जोश और होश दोनों दिखाया। नगर सेवक से लेकर कार्यकर्ता और बहुजन विकास अघाड़ी के महिला कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में रही। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदाय के लोगों को भी देखा गया। यहाँ तक कि आगरी और कोली समाज के लोग भी उपस्थित थे। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में जहाँ बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ मुस्लिम समुदाय के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे और मुस्लिम समाज के लोगों की भी संख्या ठीक ठाक थी, यानी महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं के बीच का यह पूरा जन समर्थन यात्रा कहीं ना कहीं यह बता रहा था कि आगामी आने वाला चुनाव इस जन समर्थन के साथ कई सारी बातें कह रहा है, यानी चुनौतीपूर्ण होगा वसई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना। हितेन ठाकुर ने अपनी ताकत दिखाते हुए जन समर्थन में आए हुए लोगों का स्वागत, अभिवादन स्वीकार किया, कई लोगों से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की और पत्रकार से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी। देखिए उन्होंने क्या बात कहा। हमें राजनीति लोगों को बराबर मालूम है, लोगों को करना आता है, कौन अपना कौन पराया, कौन साथ में रहने वाला है, कौन काम करने वाला है, लोगों को मालूम है। अपा कितने साल से ये शर्ट है आपके पास? 30 साल। 3 तारीख के रिपीट होना का 100%। अपा चुनाव के एन पहले इतना हथियार पकड़ा गया, उसमें विरोधी बहुजन विकास अघाड़ी पे कहीं निशाना साधे, उसके क्या? इनके पास बोलने जैसा कुछ नहीं है, कुछ किया हुआ कुछ करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। काम तो हम ही लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। हम लोगों ने प्रूफ दिए है कि जो अंधेरी, भाईंदर, कल्याण, थाना में जो नाम है, फोटो है, वही रिपीट इधर हुए है, उसकी लिस्ट भी हमने दी है। इसके पीछे क्या, कौन है चटनर के पीछे? अभी जो फायदा किसका होगा वही होगा। शिवसेना दुराई है इसके वजह से? मेरी किसी से दुराई नहीं, नजदीकी नहीं, सब दोस्त है। तुमच्या और ही आरोप होता है कि तुम्ही डायरेक्ट दाऊदची उपमा तुम्हाला दिली जाते, या बाबत तुम्हाला काय? आणखीन कोणाची द्यायची आहे ती द्या ना। ओसामा बिन लादेन आहे, बाकी आणखीन कोण आहे? होनी चाहिए ना। अरे अगर कुछ पकड़ा जाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और कठोर में कठोर होनी चाहिए। चुनावी माहौल खराब करने के लिए चल रहा है ऐसा लगता है? भगवान जाने, हम चुन के आने वाले हैं, हमको माहौल अच्छा ही रखने का है। तुम्ही तैयार करा, मी माघार घेतो। म्हणजे मॅडम तयार नाही असं तुमचं म्हणणं? तुम्ही तयार करा, मी माघार घेतो, विषय संपवा। मी जेवण चांगलं बनवू शकतो, घरात मी जेवण बनवील, बस।